अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन देखने वाले हैं। जैसा कि आप ड्राइंग देख ही रहे होंगे, तो हम आपको इसका इसकी पेंटिंग बताते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस तरह की नई नई डिज़ाइनें देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी हर डिज़ाइन को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको लीव करना बताते हैं। इसमें हमने लीव को दो कलर में किया हुआ है, लाइट भी किया हुआ है और डार्क भी किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर जो यूज़ कर रही हूँ, कैमल फैब्रिका का कलर यूज़ कर रही हूँ और ये सैब ग्रीन कलर है जो अभी मैं फिल कर रही हूँ। और मैंने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, साथ में वाइट कलर हमने लिया हुआ है इसमें शेड देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कलर को हमने सैब ग्रीन को फिल करने के बाद ये वाइट कलर से बीच से आउटलाइनिंग किया है, उसके बाद वाइट कलर से इस तरह से हमें शेड देना है। हमें लीफ में दो ही कलर लगाने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ से हमारा शेड इस तरह से रहेगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से देना है। हमने ये लीफ आपको करके दिखाई है, साथ में हम आपको और भी लीफ वगैरह जो है करके दिखाएंगे। आप पूरी वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई नई डिज़ाइन लाती रहूँगी। अभी मैंने ये दो नई डिज़ाइनें अभी अपलोड की, जो डिज़ाइन अपलोड की वो भी काफ़ी खूबसूरत थी और ये भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और शायद बनने के बाद इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो आप हमारी पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। फ्लावर अभी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से करना बताया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ईज़िली बनाने आएगा, बहुत ही आसानी से आप फ्लावर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको लीफ करके बताई है, अभी तो हमने डार्क लीफ करी है, अब हम लाइट लीफ को भी करके आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें लीफ बनानी है। और पेंटिंग से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमने पेंटिंग क्लास भी करवाए हैं अपने चैनल पर, और बहुत ज़्यादा क्लास आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अगर वो 2-4 वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको पेंटिंग करने में आसानी हो जाएगी, पेंटिंग के बारे में आपको मालूमात भी हो जाएगी और डिज़ाइन वगैरह कैसे करना है ये भी हम बताते रहते हैं अपने चैनल पे, वीडियो बनाते रहते हैं किस तरह से आप डिज़ाइन करें, किस पर बनाएँ। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हर वीडियोज़ हमारी मिलती रहेगी और आपको समझ में आती रहेगा कि आपको पेंटिंग में क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, किस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे आप बेडशीट पे पेंटिंग कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को बताते रहते हैं और वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, बहुत ही जल्दी पेंटिंग सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमने दोनों लीफ को लाइट ग्रीन से फिल किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमने इसमें सैब ग्रीन से किनारे पे एंड बीच से वाइट का सैब ग्रीन का शेड दिया है। देखिए, लाइट ग्रीन फिल करने के बाद इस तरह से सैब ग्रीन का शेड देना है बीच से और किनारे से इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसी में वाइट कलर का शेड देंगे जहाँ पे हमारा लाइट ग्रीन दिख रहा है। देखिए, इस तरह से हमें वाइट कलर का भी शेड देना है। और ये आप जो ये मैं कलर में शेड दे रही हूँ, अगर आप जो कलर फील किए हैं आपका पूरी तरह से सूखना नहीं चाहिए, सूखना सूखे लेकिन पूरी तरह से ना सूखे, बहुत थोड़ा सा सूखना चाहिए, उसके बाद अगर आप ये वाइट कलर का शेड देंगे तो आपका शेड बहुत ही अच्छा बनेगा। और ब्रश को सेट करने के लिए शेड की प्रैक्टिस करें शेड करने के लिए, क्योंकि शेड जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि ब्रश को कहाँ हल्का करना है और कहाँ दबाना है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो आपको शेड देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आप पहले शेड वगैरह का प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको आराम से पेंटिंग आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी लीफ जो हमने बनाई है ऊपर सिरे से, एक तरफ लाइट ग्रीन फिर सैब ग्रीन वाइट लगाते हुए हमने छोटी लीफ भी बनाई है और इसी तरह से हम बाकी की लीफ भी बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके।
और हमारी सारी डिज़ाइनें एक साथ देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे आपको सारी डिज़ाइन मेरी एक साथ मिल जाएगी, आप वहाँ पे पूरी डिज़ाइन हमारी देख सकते हैं। काफ़ी एक साथ हमारी डिज़ाइन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बराबर समझ में आए कि किस तरह से हमें इसकी पेंटिंग बनानी है। हमने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको शॉर्ट वीडियो मतलब थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं करके दिखाती हूँ तो नहीं समझ में आता है, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। तो इसमें हमने दो कलर की लीव भी डाली है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमारी दो लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन की लीव बनी हुई थी तो हमने यहाँ पे डार्क ग्रीन लगाया है। इसी तरह से आप अपने सही हिसाब से कलर लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है दोनों कलर से शेड तो आप एक ही कलर का शेड डाल सकते हैं। मैंने दो कलर से लीव बनाई हुई है, आप एक ही कलर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों कलर आप करें। आपकी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसा कि हमने सिर्फ आपको शेड बताया है, अगर आप इसको दूसरे कलर में करना चाहें या फिर एक ही कलर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है वो कलर लगा सकते हैं। सिर्फ हमने शेड बताया है किस तरह से करना है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ हमने किस तरह से बना के आपको दिखाया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको शेड समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें लीफ का शेड देना है, लीफ किस तरह से बनानी है। बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं कि शेड को किस तरह से दें, वो काफ़ी शेड को उल्टा कर देते हैं, जैसे ऊपर वाला साइड भी नीचे से ही कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लिप ध्यान से देखेंगे तो आप बना लेंगे। एक लिप बना के उस पर प्रैक्टिस कर लें कि शेड किस तरह से देंगे कि सही आएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बीच से आउटलाइनिंग करेंगे, वहाँ से ऊपर की तरफ शेड देंगे, और जो ऊपर साइड से आउटलाइनिंग करेंगे उसका शेड अंदर की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ से नीचे की साइड हम इसको शेड करेंगे जो किनारे से लगाएंगे। यही शेड में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत शेड दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारी लीफ पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर सकते हैं। और हमारी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, सारी हमारी डिज़ाइनें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब यहाँ पर हमने जो कलर लिया हुआ है वो मैजेंटा कलर है, और उसका भी हम इस तरह से देखिए, पहले जो फ्लावर हमने बनाया है और आपको दिख रहा होगा कि इसमें मतलब जो पंखुड़ी हमारी है वो बैक साइड है, तो उसमें हम कुछ इस तरह से पहले कलर लगाएंगे ऊपर साइड से, और नीचे की तरफ ऊपर से दबाते हुए नीचे की तरफ हल्का शेड खींचेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं शेड कर रही हूँ, तो आप ब्रश पे ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से कलर का शेड नीचे तक लेके जाना है, थोड़ा सा वहाँ पे गैप रखना है मतलब जगह छोड़ देना है। फिर उसके बाद उसमें हम वाइट कलर नीचे से इस तरह से लगाएंगे और शेड को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे। ब्रश को वॉश नहीं करना है, उसी ब्रश से हमें करना है। अगर आपके ब्रश में ज़्यादा कलर है तो कपड़े में थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। देखिए एक हमारी पंखुड़ी बन चुकी है, अब इसी तरह से हम अपनी दूसरी तीसरी पंखुड़ी बनाएंगे, और आप देखिएगा कि किस तरह से हमारी पंखुड़ी बन रही है, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा पंखुड़ी का शेप जो रहना चाहिए उसी तरह से आप बनाएंगे तभी वो शेप आएगा। अगर आप उसमें अपने हिसाब से कुछ बनाने लगेंगे तो शायद आपका फ्लावर ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए जो भी हमारे अंदर की पंखुड़ियाँ रहेंगी उसको हम बना लेंगे, उसके बाद ऊपरी पंखुड़ियाँ जो शेड देना है उसको करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कलर को कुछ इस तरह से शेड किया हुआ है, अब इसमें हम वाइट कलर का शेड देंगे। देख सकते हैं दो पंखुड़ियाँ हमने किस तरह से फिल की, और नीचे की पार्ट में हमने इसको थोड़ा सा खाली रखा है, और वाइट कलर इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से शेड करेंगे। और ये शेड बनाने के लिए अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा थिक है वाइट वाला तो भी आपका शेड नहीं बनेगा, और जो मजेंटा कलर है वो भी थिक रहेगा तो भी आपका ये शेड नहीं बनेगा।
तो आप वो मजेंटा कलर को भी अपने, चाहे आप वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर भी मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर आप मीडियम का यूज़ करना चाहते हैं तो मीडियम यूज़ करके बना सकते हैं। आप दोनों ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसको जो सही लगता है वो यूज़ करता है। मैं अपना बताती हूँ कि मैं पानी का यूज़ करती हूँ जब भी पेंटिंग करती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी, उस कलर को लूज़ करने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ करती हूँ, जैसे कि 5 से 6 बूंद तक पानी यूज़ करना है और अपने कलर को हल्का कर लेना है। उसी कलर से हम पेंटिंग बनाएंगे जिससे हमारा ये शेड बनता है। और बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जिनमें हमें कलर मिक्स करना ही, कलर में पानी मिक्स करना नहीं पड़ता है, वो बिना पानी मिक्स किए ही हमारे शेड बन जाते हैं। और ये जो मजेंटा कलर होते हैं, ब्लू कलर होते हैं, इन सब में ये सब कलर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, डार्क होते हैं। इसमें अगर हम शेड बनाना चाहते हैं तो हमारे शेड आराम से नहीं बनते, इसके लिए हमें उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ब्रश को बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, और देखिए इस तरह से शेड को हमें नीचे की तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ से वाइट कलर लगाना है और ऊपर। अगर आपसे इस तरह से नहीं बनता है तो आप फ्रेम को घुमा के अपनी तरफ का शेड बना कर लें, अपने तरफ खींचेंगे तो आपका शेड जो है हल्का और अच्छा बनेगा। ये मैं अपनी तरफ से, अपने से ऊपर की तरफ बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको फ्रेम घुमाना है तो आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा, फ्रेम घुमा सकते हैं जिससे आपका शेड अच्छा बनेगा। देखिए इस तरह से हमारा शेड रहेगा। और ब्रश को इतने अच्छे से चलाना है कि आपका जो नीचे से, मतलब कि जहाँ से आप ब्रश रखेंगे वहाँ पे थोड़ा दबाना है, और जब ऊपर की तरफ शेड को पतला करेंगे, हल्का करेंगे, तो ब्रश को थोड़ा सा हल्का कर देना है, हाथ को अपने बिल्कुल हल्का कर देना है, जिससे आपका शेड ऊपर की तरफ डार्क और नीचे की तरफ लाइट आएगा। जिधर आप खींचेंगे उसको उधर लाइट आएगा। देखिए इस तरह से और जब भी वाइट कलर का शेड हमें लगाना पड़ता है तो सबसे पहले हम डार्क कलर का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाइट कलर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा शेड अच्छा आता है। अगर हम ये वाइट कलर का पहले यूज़ कर लेंगे, डार्क कलर का बाद में यूज़ करेंगे, तो हमारा शेड वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि इस तरह से आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर तैयार है और कितना खूबसूरत है। बहुत ही सिंपल था इसे बनाना, मैंने आपको बना के दिखाया। और देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर आउटलाइनिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन येलो, सॉरी गोल्डन येलो एंड ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कलर से फ्लावर बनाया उसी कलर का यूज़ कर दिया। इसकी जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने आपको लेमन येलो से करके दिखाया है, बीच वाला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने लेमन येलो से बीच वाला पार्ट बना के बताया है। अगर आपको वो पसंद आता है तो वो भी बना सकते हैं इस फ्लावर में, वो भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमने कलर को कुछ पहले मजेंटा कलर लगाया, उसके बाद इस तरह से लेमन येलो लगाया और दोनों कलर को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर दिया। फिर भी मेरा यहाँ जो है मजेंटा कलर ज़्यादा हो गया है। अगर आप लेमन येलो ज़्यादा करना चाहते हैं तो लेमन येलो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लेमन येलो ज़्यादा रहे तो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने दो कलर लगाया है, अब इसमें हम वाइट कलर का छोटा छोटा डॉट डॉट करके शेड देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का करके शेड देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डार्क कलर का भी शेड दे सकते हैं, जैसे किनारे में ग्रीन का शेड भी दे सकते हैं। किनारे पे जहाँ हमने मरून का लगाया वहाँ पे फिर वाइट देंगे तो आपका समझ में आएगा, या फिर ब्लू शेड, वाइट शेड, ब्लैक शेड, ऐसा दे सकते हैं। तो हमारा ये फ्लावर तैयार है। अब हम आपको दूसरा फ्लावर करना बताएँगे, किस तरह से हम दूसरा फ्लावर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए उसको हम बताते हैं किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हमने मॉव कलर लिया हुआ है जो कि वॉलेट के जैसा होता है बिल्कुल। और देखिए इस तरह से हमें नीचे साइड से पहले शेड दे लेना है। ये देखिए इस तरह से जो भी हमारी पंखुड़ी का शेप रहेगा पहले हम उसको करेंगे नीचे से, और उसके बाद नीचे के शेड से ऊपर साइड। हमने मजेंटा कलर में जो है पहले ऊपर से शेड लगाया था, लेकिन इसमें हमने नीचे से जो डार्क कलर हमारा है नीचे से लगाया है। जब भी हम डार्क कलर, जब भी हम पेंटिंग करेंगे तो पहले डार्क कलर लगाएंगे, उसके बाद लाइट का शेड देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वॉलेट कलर है उसको हम लगा रहे हैं। ये बॉटल पे मॉव कलर लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल वॉलेट कलर के जैसा दिखता है।
डार्क वॉलेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने नीचे से शर्ट दिया और ऊपर से इस तरह से फिर वाइट कलर लगाना है। वाइट कलर लगाने के बाद इसको हम अपने हाथों से हल्का हल्का नीचे की साइड खींचेंगे, जिससे हमारा शर्ट बन जाएगा अच्छा सा। देखिए इस तरह से लाइटली शेड हमें करना है। एक पंखुड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, और जैसे ही हमारी पंखुड़ी का झुकाव रहेगा उसी तरह से हमारे शर्ट भी उसी हिसाब से शर्ट देना है। जैसे पंखुड़ी का मुड़ाव रहेगा वैसे शर्ट का भी मुड़ाव रहेगा, तभी जो आपका फ्लावर है उसकी फिनिशिंग दिखेगी और कैसा किस तरह से है वो चीज़ दिखेगी। नहीं तो आप अगर फ्लावर की पंखुड़ी मुड़ी हुई है और आप शर्ट को सीधा देंगे तो ऐसे में आपका फ्लावर जो है अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें जो चीज़ दिखनी चाहिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो जिस तरफ से झुकाव रहेगा उसी तरफ से हमें अपने शर्ट को भी घुमा के देना है। अपने हाथों को उस तरह से, ब्रश को उस तरह से घुमाते हुए शर्ट को पूरा करें, ताकि आपकी जो आपका जो फ्लावर है वो जैसा मतलब ड्राइंग करने में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से वो पेंटिंग करने के बाद दिखे, और जिसना जैसा उसका लुक आना चाहिए, जैसा उसको दिखना चाहिए बिल्कुल वही आए। देखिए यहाँ पे दो पंखुड़ियाँ किनारे की बनाने के बाद हमने, ये हमारी पंखुड़ी ऊपर है तो हमने इसको बनाया। देखिए पहले हमें नीचे से डार्क कलर हमने लगाया था, और यहाँ पे अब देखिए ऊपर से वाइट कलर लगाएंगे। ब्रश को वॉश नहीं करना है, जब भी वाइट कलर लेना है ब्रश को वॉश नहीं करना है, उसी कलर में हमें वाइट कलर लेते हुए अपने शर्ट को देना है। अगर आपके ब्रश में ज़्यादा वॉलेट कलर है तो उसको थोड़ा सा अपने किसी कपड़े से, उसको टिशू से, कपड़े से थोड़ा सा कलर को निकाल दें, फिर उसके बाद जो है उसमें वाइट कलर लें और उसके बाद ये वाला शर्ट बनाएं जैसा कि हमने ऊपर से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी इसको बनाना है और कितने आराम से हम फ्लावर को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन आप डाल सकते हैं, इस तरह का एक एक फ्लावर डाल सकते हैं। और इस तरह से अगर आप बड़ी सी डिज़ाइन बनाना चाहें बेडशीट की, तो पूरी डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। अगर आसान, मैंने बहुत ही आसान सा फ्लावर बताया है, आप छोटे छोटे फ्लावर करके बड़ी सी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, कॉर्नर की, सर्कल की, या फिर जैसे भी आप बेडशीट पर अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करना चाहें, जो शेप देना चाहें, या फिर उसको अल्फ़ाबेट में बनाना चाहें, जैसे भी बनाना चाहें, आप अगर छोटे फ्लावर बनाएंगे तो आप उस तरह से स्टेप बाय स्टेप रखते हुए आप बड़ा से बड़ा फ्लावर बना सकते, बड़े से बड़ी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको अगर लेटर में इसको बनाना है, यानी कि अल्फ़ाबेट में बनाना है, तो आपको पहले अपने बेडशीट पे अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर लेना है। पहले उसको अल्फ़ाबेट को अपने बेडशीट पर जो है कि खींच लें, उसको ड्रॉ कर लें, जैसा हम लिखते हैं उसको पहले लिख लें बड़ा सा, फिर उसके बाद डिज़ाइन आप उस पर जिस तरह से चाहें उस पर टिशू पेपर के, ट्रेस पेपर की मदद से उस पर आप डिज़ाइन को डाल सकते हैं। या फिर बड़ा सा ट्रेस पेपर आप बना लें, उस पर भी डाल डिज़ाइन अल्फ़ाबेट ड्रा करके उस पर आप डिज़ाइन करके पूरा तैयार करके उसके बाद उसमें होल बना के बेडशीट पे डायरेक्ट भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों फ्लावर देख लिया, यहाँ पे हमने कली भी आपको करके दिखा दी। इंशाल्लाह आपको बराबर समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बनाना है। मैंने कोशिश की कि आपको बताऊँ अच्छे से और आपको समझ में आए, तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको समझ में भी आया होगा कि हमने किस तरह से फ्लावर बताया है और कितना इजी है इसे बनाना। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और किस किस ने बनाया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी की डिज़ाइनें हम आपको अगले वीडियो में करके दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।